क्या आपको पता है कि ये वाला जो कुंदन की लाइन आती है रेडीमेड, उसका आप इतना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो ज्वेलरी बनाने में, पेंडेंट बनाने में, फिर कनेक्टर बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है इसका। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये कुंदन की लाइन से कनेक्टर कैसे बनना है वो मैं सिखाने वाली हूँ। और ये कनेक्टर एकदम परफेक्टली शेप का बनता है, और दूसरी बात कि ये एकदम फिनिशिंग के साथ बनता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मार्केट से रेडीमेड जो लाते हैं कनेक्टर, वो थोड़े अनइवन होते हैं या थोड़े गंदे होते हैं, प्रॉपर आपको फिनिशिंग वाले नहीं मिलते, कभी कभी ऐसा होता है। दूसरी बात कि ऐसा भी होता है कि हमें अगर बड़ा रानी हार बनाना है, ठीक है, रानी हार बनाना है, और आपको 7 लेयर का, 7 लेयर का माला बनाना है, रानी हार बनाना है, तो आपको इजीली मार्केट में वो इतने बड़े बड़े कनेक्टर इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। तो आप खुद से ही ये वाली कुंदन की लाइन का यूज़ करके आप अपने हिसाब से आपको जितने लेयर का नेकलेस बनाना है उतने लेयर का आप कनेक्टर बना सकते हो। तो ये आपको बनाने में, कनेक्टर बनाने में टाइम भी एकदम कम टाइम लगता है, एकदम सिंपल है बनाना। आप बनाइए घर पे और ट्राई कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, मैं यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी जो है वो डाल दूंगी, तो मुझे पता चले कि आप लोग कितना एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कनेक्टर का यूज़ आप कितनी चीज़ों में कर सकते हो, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और आप सबको नीचे कमेंट में लिखना है कि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरे कौन से देखने हैं, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से वीडियोस डाल रही हूँ, तो मुझे भी पता चले कि आप लोग कौन से वीडियोस देखना पसंद करते हो, ठीक है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखे कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊँ मैं। ज़रूरी है कि कल ही मैं वो वीडियो बनाऊँ, बट मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई। मैं हूँ विश्वा मोदी, मैं ज्वेलरी बिजनेस कोच हूँ, और मेरा मिशन ये है कि मैं 10 लाख लेडीज़ को ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस सिखा के उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। और ये वाला वीडियो आप लोग डेफिनेटली देखिए पूरा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं हर वीकली फ्री वेबिनार भी करती हूँ, लाइव मास्टर क्लास होता है, तो मेरे मास्टर क्लास की लिंक, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको लाइव में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, और बहुत कुछ नया जानने को भी मिलेगा। तो बहुत बातें नहीं करते, चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो कुंदन की लाइन आती है वो लेंगे। ये बैक साइड पे मीनाकारी वर्क होता है और आगे से इस तरह से आता है, तो मैं ये पूरी जो लाइन आती है वो ही ले रही हूँ कनेक्टर बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे राउंड शेप ले रही हूँ, आप कोई भी शेप का यूज़ कर सकते हो, हर एक शेप का कनेक्टर बन सकता है ईजीली, ठीक है। तो मैं अभी इस तरह से कुंदन की कनेक्टर बना रही हूँ, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं, सिर्फ हमें कुंदन चाहिए, और मैं यहाँ पे 0.5 mm का जो तार आता है वो यूज़ कर रही हूँ, उसका मैंने छोटा सा टुकड़ा कर दिया है, इतना छोटा सा। अभी क्या करना है हमें कि ये जो एक कुंदन लेना है आपको, और एक कुंदन में इस तरह से पास करना है आपको, और सिमिलरली एक होल छोड़ के यहाँ पे मैं दूसरा तार डाल रही हूँ, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ से निकाला, सेम हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, देख सकते हो आप लोग इस तरह से, और इसको खींच लेना है तो ये इस शेप में आ जाएगा। उसके बाद ये हमें थोड़ा इस तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले होल में मैं ये तार को डालूंगी। जब आप खुद से बनाओगे तब आपको खुद से आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन से होल में से तार को पास करना है। और जैसे हमने यहाँ पे डाला, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होल में ही आपको डालना होगा, ठीक है, क्योंकि फिर अनइवन ना हो जाए। अगर आप अलग अलग तरीके से डालने जाओगे तो वो अनइवन हो जाएगा। तो अभी इस तरह से हो गया, अभी हम यहाँ पे रख के देखेंगे कि कहाँ पे डालना है ये वाला तार। तो यहाँ पे हम लोग इसको डालेंगे। सिमिलरली ये वाले कुंदन में भी वैसे ही पास करना है, उसी सेम होल में से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरह से हो गया। अभी ये प्रॉपर ट्रायंगल तो हो गया, बट ये तार हम लोग इस तरह से करेंगे तो पूरा तार दिखेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो तार है उसको हम लोग यहां पर लाएंगे। तो उसके लिए हमें
यहाँ से मैं ये वाला लूंगी क्योंकि ये थोड़ा लंबा है ज्यादा। तो हम लोग यहाँ से तार को पास करेंगे ये यहाँ से पास करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जो ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ये सारे कुंदन, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ तक तो पहुँच चुका है मेरा तार, अभी यहाँ से निकालना है। ठीक है, ओके, तो ये तार यहाँ तक आ चुका है। तो अभी मैं उसको प्लायर की हेल्प से थोड़ा खींच लूंगी क्योंकि थोड़ा सब आ रहा है, और ये 0.5 mm का तार यूज कर रही हूँ तो ये थोड़ा हार्ड है, तो इसीलिए थोड़ा जाने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, बट आप 0.3 का भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो ये दोनों कुंदन को अटैच करो, ये कुंदन को, ये दोनों, वैसे भी आप उसको अटैच कर सकते हो, बट उसमें टाइम भी ज्यादा जाएगा, मेहनत भी ज्यादा है। उससे बेटर है कि आप एक ही तार लो और सबको फिक्स करो। ठीक है, तो ये करने के बाद पूरा मैं प्रॉपर तार खींच लूंगी इस तरीके से। ये तार खींच के आपको प्रॉपरली खींचना होगा क्योंकि ये जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए, इस वजह से ये तार को आपको प्रॉपरली खींचना होगा। ठीक है, सो कोई भी एक तार लीजिए और खींच लीजिए। मैं ये वाला जो थोड़ा लंबा वाला है उसको खींचूंगी, तो उसके लिए मैंने पहले ये तार जो डाला है यहाँ से, इसको मैं इस तरह से पहले फिर खींचूंगी, उसके बाद ये वाला। ओके, तो ये प्रॉपर खींचने के बाद अभी ये जो दो तार है उसको हम लोग इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, और इतना फोल्ड करने के बाद जो एक्सेस तार है उसको कट करना है, और आप छोटा सा कट करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा लंबा रखा है क्योंकि ये मैं इस तरह से दूसरे होल में डाल दूंगी, लाइक दिस। तो ये आप देख सकते हो कितना प्रॉपर कनेक्टर हमारा बन के रेडी हुआ है। सिमिलरली मैंने पहले भी एक बना के रेडी रखा था, और ये आप तार से, हार्ड तार से करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। जैसे ये इसको हम फोल्ड करने जाएंगे तो भी इतना जल्दी से वो कमज़ोर नहीं है, आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा मजबूती से बना है। वैसे ही मैंने एक जो ये शेप का कुंदन है उसका भी यूज़ करके मैंने कनेक्टर बनाया है। ये थोड़ा बड़ी साइज़ का है और अभी मैंने ये राउंड शेप का बनाया है, तो इस तरह से कनेक्टर बन सकता है और बहुत ही इजी है और जल्दी भी बनता है। और अगर आपके पास कनेक्टर नहीं है तो आप इसका बना के यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो कनेक्टर बनाए हैं उसका हम लोग पेंडेंट कैसे बना सकते हैं तो वो मैं बता रही हूँ। मेरे पास कुछ थोड़े कुंदन हैं तो उसमें से मैं कुछ कुंदन को ले रही हूँ, और मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि आप किस तरह से अलग अलग टाइप का कुंदन का यूज करके पेंडेंट को क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास आइडिया जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कुंदन है, ठीक है, तो इस तरह का पेंडेंट, आप बड़ा वाला पेंडेंट, ये बहुत ही बड़ा है, फोन में शायद आपको छोटा दिख रहा होगा कैमरा में, बट यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा पेंडेंट बना है। यहाँ पे आप नीचे पूरा यहाँ पे अच्छे वाले बेड्स लगा के हैंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से रखने के बाद, ये मेरे पास इस शेप का एक कुंदन है तो ये इसको मैं रख रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखूंगी, इसको यहाँ पे रखूंगी इस तरह से। और जो मेरे पास ये राउंड जो कुंदन की लाइन है उसको मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ, इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि ये भी एक बड़ा हैवी सा पेंडेंट बनेगा। उसके बाद वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी टाइप का कुंदन का यूज करके पेंडेंट बना सकते हो, तो मैं और आइडिया दे रही हूँ आपको। और हम लोगों ने जो कनेक्टर बनाया है मैं उसका मेन फोकस करवा रही हूँ, क्योंकि आपको कनेक्टर का कितना ज़्यादा यूज़ हो सकता है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है, और उसको ज़्यादा हैवी बनाना है तो आप और क्या कर सकते हो कि ये जो कुंदन होते हैं छोटे साइज के, उसको आप यहाँ पे पूरा अटैच करके भर सकते हो, पूरा इसको ज़्यादा फिल करके बड़ा कर सकते हो, और बेड्स जो हैवी वाले बेड्स आते हैं वो हैंग कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा।
मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।